नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे वन रिपीटिशन मैक्सिमम क्या होता है। समझ लो कोई भी कसरत कर रहे हो, तुम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें तुम एक बार में कितना ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सकते हो। कहने का मतलब है कि मान लो 5 किलो का डंबल है और मुझे उसे ऐसे उठाना है, ठीक है, तो मैं 5 किलो का डंबल 20 बार उठा सकता हूँ, मैं 10 किलो का डंबल 8 बार उठा सकता हूँ, मैं 15 किलो का डंबल 3 बार उठा सकता हूँ, मैं 17.5 किलो का डंबल 1 बार उठा सकता हूँ, लेकिन मैं 20 किलो का डंबल उठा ही नहीं पा रहा। तो ऐसा कहा जाएगा कि मेरा वन रिपीटिशन मैक्सिमम जो है, मतलब एक रिपीटिशन में मैं मैक्सिमम कितना वजन उठा सकता हूँ एक रिपीटिशन के लिए, तो वो 17.5 किलो हो गया, क्योंकि मैं 15 किलो पे 3 बार उठा पा रहा हूँ, तो वो वन से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, और 17.5 किलो में मैं 1 बार उठा पा रहा हूँ, 1 बार पूरा उठा पा रहा हूँ, और 20 किलो में 1 बार भी नहीं उठा पा रहा हूँ, मान लो आधा ही इतना ही उठा पा रहा हूँ, पूरा नहीं उठा पा रहा हूँ, तो 20 किलो का तो मैं 1 बार भी नहीं उठा पा रहा हूँ और 15 किलो में 3 बार उठा पा रहा हूँ, लेकिन मैं 17.5 किलो में 1 बार उठा पा रहा हूँ, तो उसे कहेंगे वन एक रिपीटिशन, जो रिपीटिशन किया हमने उसमें मैक्सिमम कितना वजन उठा सकते हो, 17.5 किलो हो गया। वो कोई भी तरीके की कसरत के लिए हो सकता है। वन रिपीटिशन मैक्सिमम नापना है अगर आपको अपना, तो मतलब आपको जैसे धीरे धीरे वजन बढ़ा के देखना पड़ेगा, मैं कितने वजन तक उठा पा रहा हूँ, कितने वजन तक उठा पा रहा हूँ। जैसे आपने मान लो आप सीधा 17.5 उठा के मत देखो ना भाई, जैसे हो सकता है आप 12.5 ही ना उठा पाओ एक बार भी, तो धीरे धीरे बढ़ा करके देखो। इसके लिए मैं आपको, अगर आपको नापना हो गया आपका वन रिपीटेशन मैक्सिमम कितना है, क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये आगे हम काम लेंगे, तो अगर आपको देखना है कि आपका वन रिपीटेशन मैक्सिमम कितना है, तो अच्छे से वार्म अप कर लो अपना, मतलब जिस हिस्से का आपको कसरत करनी है और जिस हिस्से की देख, मान लो चेस्ट की देखनी है या फिर बैक की देखनी है, जिस एक्सरसाइज में देखनी है, कोई एक एक्सरसाइज के लिए होता है वन रिपीटेशन मैक्सिमम, तो जिस एक्सरसाइज के लिए आपको देखना है, जिस कसरत के लिए आपको देखना है, वो जिस हिस्से की होगी, और कोई एक कसरत आप करोगे तो किसी हिस्से की होगी ना, पैर की होगी, हाथ की होगी, पेट की होगी, कंधों की होगी, छाती की होगी, पीठ की होगी, कमर की होगी, उस हिस्से की अच्छे से वार्म अप कर लो उसे, मतलब उसकी स्ट्रेचिंग करो, उसकी हल्के हल्के वजन से उसकी एक्सरसाइज करो कुछ देर, ताकि वहाँ पे खून का संचार होने लग जाए और वो गर्म हो जाए वो हिस्सा थोड़ा सा, ताकि इससे क्या होता है कि चोट आने का डर नहीं रहता, इंजरी होने का डर नहीं रहता। वार्म अप कर लो और फिर उसके बाद में वजन उठा उठा करके देखो एक एक बार, जैसे मान लो 5 किलो एक बार उठा के देखा उठ गया, 7.5 किलो एक बार उठा के देखा उठ गया, 10 किलो उठा के देखा उठ गया, ऐसे वार्म अप करने के बाद। और वन रिपीटेशन मैक्सिमम ढंग से आप तभी नाप पाओगे जब आपने, आप थके हुए नहीं होगे। मान लो आप जिम में गए और आपने 15 सेट मार लिए, 15 सेट कर लिए, कोई भी मान लो आपके हिस्से की छाती की आपने कसरत करी, आपने 15 सेट कर लिए उसके, और फिर आप वन रिपीटेशन मैक्सिमम नापने चले, तो हो सकता है आपका जितना है उससे आप काफ़ी कम उठा पाओगे, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो, आपकी छाती बहुत थक चुकी है, चेस्ट आपकी बहुत थक चुकी है। तो अगर इसे ढंग से नापना है तो इसके लिए क्या किया जाता है कि पहले जिस हिस्से की कसरत करनी है हमें, उसको गर्म कर लिया जाता है, गर्म मतलब वार्म अप कर लिया जाता है उसकी, वहाँ की थोड़ी स्ट्रेचिंग करो वो ढंग से, वहाँ की थोड़ी हल्की वजन से एक्सरसाइज करो, ताकि वहाँ पे खून का संचार बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, वो हिस्सा थोड़ा गर्म हो वहाँ पे चोट होने की, क्योंकि ज़्यादा वजन उठाओगे तो एकदम से शरीर को एक तरीके से अपने एकदम से उसको एकदम से कोई आदत नहीं, तो एकदम से आपने उस पर ज़्यादा वजन उठा दिया तो उसको चोट पहुँच सकती है ना, मतलब शरीर हो सकता है ना, कोई कुछ भी हो सकता है ना, मांस फट जाए या हड्डी में कोई मतलब मोच आ जाए, हड्डी मान लो थोड़ी सी आपका हाथ वाथ टेढ़ा हो गया, मुड़ गई, या फिर कोई नस चढ़ गई, कुछ भी हो सकता है मतलब, तो इसलिए कहते हैं कि वार्म अप करके करना चाहिए। तो अगर आप थके हुए नहीं होगे तो आप सही ढंग से देख पाओगे कि आपका वन रिपीटेशन मैक्सिमम कितना है, मतलब आप कितने तक जा सकते हो। वन रिपीटेशन मैक्सिमम समझाने के लिए था कि क्या होता है, आगे इसको हम काम लेंगे। वन मतलब एक रिपीटेशन जो मैं बता चुका हूँ, रिपीटेशन कितनी बार हम करते हैं, मैक्सिमम मतलब
ज्यादा से ज्यादा, तो एक रिपीटेशन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा सकते हो किसी भी एक्सरसाइज में। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो, मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।